न्यूज से बात करते हुए तकरीब के शुरका का कहना था कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है वो बेशक यौमे आज़ादी गुजर चुका है, लेकिन यौमे आज़ादी को लेके हमें आगे चलना है, क्योंकि कश्मीर का इशू तब तक हमारे लिए चैलेंज लेके खड़ा है जब तक कि हम उसको आज़ादी नहीं दिलवाएंगे। 72 ईयर्स तो उससे ऊपर हो गए हैं, तो बहुत देर हो गई है। अब उन लोगों बेचारों को भी थोड़ा अमन दो। कश्मीर का मौजू एक ऐसा सुलगता हुआ मौजू है कि जिसपे जब भी बात की जाए, जितनी बात की जाए, कम है। हम बता रहे हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कि कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है। जरूरी नहीं कि कश्मीर इंडिया का बने या पाकिस्तान का बने, हम ये चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो। हम कश्मीरी भाइयों के साथ कल भी उनके साथ थे, आज भी साथ हैं और मरते दम तक उनकी गैर मशरूत और लामहदूद वफादारियां अहले पाकिस्तान के कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर के साथ इज़हारे यकजहती मनाई जा रही है और हम पूरी तौर पे कश्मीरियों के बिल्कुल शाना बशाना साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात जो एजिटेशन इस आज हो रही है वो आर्टिकल 370 के ऊपर हो रही है। ये जो लड़ाई, ये सरकार मोदी सरकार की बायोग्राफी हो सकती है या उसकी पॉलिसी हो।